محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل الصلاة الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفاهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة الله رابعهم ولا خمسة الله سادسهم ولا أدنى من ذلك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم

करोड़ हा करोड़ा जर्ज एहसान अल्लाह हमसे नमाजें पढ़वा रहा है अल्लाह हमसे से क़ुर पढ़वा रहा है अल्लाह हमसे ज़रूर शरीफ पढ़वा कितना अल्लाह का अहसान है आज एक साथी मुझसे कहने लगा कि पिछली दफ़ा जो आपने कहा था ना जो जो पाँच हज़ार दफ़ा जरूर शरीफ नहीं पड़ेगा उससे मेरी बैग टूट जाएगी ख़त्म उसका से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं तो उस दिन से मैं डर गया और मैंने इतना अमल करना शुरू कर दिया चार हज़ार पर आ गया हूँ एक हज़ार की राम हो जी इजाज़त देने मैंने कहा जब तक के डंडा नहीं लगाया था तो एक ही हज़ार चल रहा था ना अब पाँच हज़ार का डंडा लगाया तो चार हज़ार पर आ गए ना हाँ अल्लाह मुझे आपको समझा दी ये अल्लाह केहसान है कि के अल्लाह लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझिए कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है <coughs> ये तसवर हमारे अंदर नहीं आ रहा हमारे इस मजलिस का बुनियादी बुनियादी जब्राइल हदीसी इब्राहल जी है ना वो ये कहती है कि हर वक्त ये तस्वर करो कि अल्लाह तुम्हारे साथ अल्लाह तुमको देख रहा है या तुम अल्लाह को देख रहे हो ये इस तसवु का बुनियाद है हर वक्त अल्लाह हमारे साथ लेकिन ये बात हम नहीं समझते ये बात हम नहीं समझते कि अल्लाह हमारे साथ ये बात अल्लाह मुझे भी समझा दे ये बात अल्लाह आपको भी समझा दे आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह हमारे साथ है ये तस्वुर करना कि अल्लाह मेरे साथ है ये बहुत अच्छी बात है इसको मशनबी में तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने एक हिकायत से समझाया है <coughs> हमारे हजरत सैयद सैदुलतफा हाजी इमदादुल्ल महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अजीब बात फरमाते थे ये सारे बड़ों के बड़े हैं हजरत थानवी के भी बड़े हैं ये हजरत गंगोई के भी बड़े हैं हाँ ये जो पूरा सिलसिला देवबंद में चल रहा है ना उन सब के बड़े सैयद सैदायफ़ा हाजी इमदादुल्ल महजर मक्म ये फरमाया करते थे कि तीन किताबें बड़ी अलबेली हैं मतलब बहुत अच्छी पहले ज़माने में अलबेली का लफ ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहुत ज़्यादा प्यारी तो फ़मा दी एक कुरान शरीफ और दूसरी बुखारी शरीफ और तीसरी मतनबी शरीफ मसनबी शरीफ ऐसी किताब है तो जलालुद्दीन रूमी राम ने इक़ा की है इर्क़ा की है मा कहते थे उस ज़माने में कि ये दूसरा कुरान मजीद है मनबी कहें दूसरा कुरान मजीद है मौलाना जलाद्दीन राम ने बहुत सारी उसमें ऐसी सबक आमोज कि आदमी दंग रह जाता है कैसे समझाया जा रहा है और इसमें हमारे थानी रहमान लोगों को भी अल्लाह ने बड़ा कमाल हासिल दिया था तो वो जो भी कोई बात मिसाल दे के समझाते थे ना वो बड़, बड़ी जल्दी समझ आया था बहुत जल्दी समझ आया मैं एक दिन मौलाना प्राफक्टर के पास गया और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा परेशानी है बहुत ज़्यादा ये है बहुत ज़्यादा ये है और तो मेरे दिल नहीं चाहता ये करने कोई वगैरह 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 तो हजन फरमाया अजीब बात है जितने फरमाई मैं भाई अगर किसी की तबीयत ख़राब हो उसका खाना खाने को दिल चाहता है लेकिन फिर भी खाना तो खाने ही पड़ता है ना भाई खाना खाएगा तो फिर दवा खाएगा ना चाहे वो चाय बिस्कुट खाए कुछ ना समझाने के लिए बात करो मौलाना जिला रूमी रहा ने एक मसल में अल्लाह मुझे भी समझा दे अल्लाह आपको भी समझा दे आज वो असल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ नजालाउद्दीन राम रूमी राम फरमाते हैं कि एक वक्त का बादशाह था सुल्तान महमूद गजनवी बहुत नाम सुनाओा आपने और पहले ज़माने के बादशाह जो थे ना वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते थे जैसे आज बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना उस बच्चे की तबीयत ख़राब है वो आया नहीं आया कमरे में लेट गया नहीं लग गया वो आया नहीं आया मतलब हर बाप अगर उसके दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं चार बच्चे तो जब तक के हर बच्चा आके अपने कमरे में लेट ही जाता उसको सुकून नहीं आता ऐसे <laughs> ही पहले ज़माने के बादशाह थे वो हर एतबार से ना अपनी रियाय का ख्याल रखते थे कि हमारी रियाय किस हाल में है परेशान तो नहीं है ऐसा तो नहीं वगैरह 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 एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी राम ने, ने सोचा कि मैं अपनी उसके बारे में मालूमात करूं भाई क्या हाल है क्या नहीं है तो उसने क्या किया ऐसा प्लान किया कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे अपने रियाया के हालात मालूम हो। उस पर उसने क्या किया कि एक रात को उसने अपना भेज बदल लिया मतलब जो उसका बादशाही लिबास था ये था वो था वो सब उसने निकाल दिया और दूसरा एक आम सा लिबास आमयान लिबास पहन लिया और पहन कर महल के असल दरवाजे से नहीं बल्कि किसी खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गया और जाके उसने सोचा कि मैं लोगों के हालात मालूम करके आता हूँ तो वो लोगों के हालात मालूम करने चला गया तो उसने देखा कि कुछ देर दूर आगे जाके शहर से थोड़ा सा मतलब कोने की तरफ जैसे आबादी ख़त्म हो गई वहाँ जंगल है पेड़ लगे हुए हैं और वहाँ पाँच छः लोग बैठे हुए और थोड़ी सी दूर आग जल रही ताकि सेक भी हो जाए लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे ये कहते हैं मैं भी वहाँ पे जाके दो चार पांच आदमी में मैं भी जाके बैठ गया तो मैं देखूँ ये लोग क्या बात कर रहे हैं क्या किसने देखो जाके क्या हाल है ये वहाँ चले गए वह जाके बैठ गए और बात करने लगे वो लोग वो एक चोरों का टोला था वो एक चोरों का टोला था अब जब ये पहुँचे तो ये समझे कि हमारे दोस्तों में ही सारे लोग हैं ये भी वही होगा वो हो जाकर बैठे कहना यार चलो यार कुछ प्लानिंग करो आज ये कुछ लम्बा हाथ मारें कुछ करें अच्छा बचाओ तुम क्या कर सकते जो हो जो उनका बड़ा होगा ना उनका अच्छा भाई कोई वजह है भाई कोई क्या कर सकता है तो एक आदमी ने कहा मेरे अंदर ये खासियत अल्लाह ने रखी है ये मेरे अंदर मतलब गुर है मेरे अंदर कि जब भी कुत्ते भोंगते हैं ना तो मैं पहचान लेता हूँ कि कुत्ते क्या बोल रहे हैं वो तो लोगों ने तेरा दिमाग खराब हो तो गया ये सारी कोई घुड़ तो लोगों ने क्या लेने यार सबसे पहले कुत्तों से ही वास्ता पड़ता है यहाँ जाते हैं ना किसी भी बड़े आदमी घर पर जाए तो कुत्तों से वास्ता पड़ता है अच्छा अच्छा चलो मैं समझ लेता हूँ वो कुत्ते क्या कह रहे हैं अच्छा ठीक च्छा च्छा। है अच्छा चलो दूसरा बताओ भाई तुम्हारे अंदर क्या खासियत है कहाँ मेरे अंदर खासियत यह है कि मेरे पास एक तार है जिससे महल का कितना भी बड़ा ऊंचे से ऊंचा हो तो उसको मैं अगर वो फेंक दूं तो अटक जाते हैं और उसके ज़रिए सब लोग ऊपर जा सकते हैं ठीक है तीसरे ने कहा कि मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं जगह को ना सुन कर बता देता हूँ कि सोना कहाँ दबा हुआ है मतलब ऐसे नहीं इस कमरे को भी खो दो उस कमरे को खो ऐसा नहीं होगा बल्कि ऐसा होगा कहाँ सोना है और मुझे पता चल जाएगा बहुत अच्छी बात है अच्छा भाई चलो और बताओ उधर तीसरे ने कहा कि भाई मेरे पास ऐसे मेरे हाथ में पावरफुल वो है कि वो जब वो कहेगा ना जब वो कहेगा ना कि यहाँ पे ये दीवार में सुराख करना है और उधर वो है तो मेरा हाथ ऐसे है कि मैं ऐसे करूँगा तो पूरा अंदर चल जाएगा दीवार टूट जाएगी क्या बात यार जबरदस्त अच्छा अब ये सारे काम हो गए तो अब उसने कहा कि भाई तुम भी बताओ तुम्हारे अंदर क्या खासियत है ये चार आदमी तो अपना काम बता चुके हैं तो उसने कहा भाई मेरे अंदर खासियत ये है ये सुल्तान महमूद गजनभी कह रहे हैं मेरे अंदर ये खासियत है कि जब चोर कहीं पकड़े जाए मुजरिम कहीं पकड़े जाए और अगर उनको बादशाह वक्त फांसी का हुक्म दे दे और जल्लाद के हवाले कर दें तो अगर मेरी डाड़ी हिल जाए ना तो सबके गुना माफ़ हो जाए सबकी छुट्टी हो जाती ओ भाई तुम तो हमारे खुद हो यार तुम तो हमारे सबसे बड़े हो यार तुम ही तो ऐसा दो चोरी के सारे कारनामे तो मालूम है लेकिन अगर हम पकड़े गए तो फिर क्या होगा ये एक मसला है आज तुम हमारे बाप हो यार ठीक है चलो भाई चलो फिर उन्होंने कहा यार अब इतना सारे एक से एक फनकार हमारे पास हैं तो कोई ऐसा काम करें आज ऐसा करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी के मैनो ही चलते बस सीधा एक ही जगह कुछ करो या जान छोड़ाओ अच्छा हाँ उसमें एक आदमी और था उसने कहा कि मेरे अंदर खासियत यह है कि रात के अंधेरे में मैं किसी को भी अगर देख लू ना तो दिन के उजाले में पहचान देता हूँ उसको रात का अंधेरा हो बिल्कुल और मैं उसको देख लूँ तो दिन के उजाले में मैं उसको पहचान देता हूँ चलो ठीक है अब इन्होंने प्लानिंग की और सीधे सुल्तान महमूद गजनवी रहा के घर चले गए महल में चले गए और वहां जाके जैसे ही वहां गए तो कुत्तों ने भोगना शुरू किया तो उसने कहा भाई क्या कह रहा है कुत्ता कह रहा है बादशाह वक्त तुम्हारे साथ है बादशाह वक्त तुम्हारे साथ है अब ये सारे लोग मतलब तो चक्कर में माल मिले साले ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया अबे चल बे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या वह बादशाह वक्त छोड़े क्या जो हमारे साथ होगा आज सब यही हाँ है आपको बता ये जितने हम बैठे ना सब का हाल यही है हमें पैसा नजर आ रहा है बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ नजर नहीं आ रहा आज ओलम को लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे पर दिमाग में पैसा घुसा हुआ है ना अब वो कह रहा है भाई कुत्ता ये कह रहा है बादशाह साजे तुम्हारे अब वो सब लोग मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे देखो दिमाग खराब हो गया इसका अब बादशाह कोई चोर है जो हमारे साथ होगा क्योंकि उनके दिमाग पे आंखों वो जो तो बट्टी बंदी हुई वह पैसे लालच नजर ला मत मानो भाई हमारी बात अब चले अच्छा रह गया अंदर अः भाई जो तार फेंको तार फेंका अभी सब लोग महल के अंदर अब उसने सुंगा यहाँ पर है भाई अच्छा भाई चलो अब वो दीवार को उसने अपना हाथ दीवार तोड़ दिया अंदर चले और सारा माल वहां से निकाला और सब माल निकाल कर तकसीम किया रात कंझेरे में ये तुम्हारा ये तुम्हारा सबने अपनी अपनी पोटले बाल में और सुल्तान महमूद गजनबी राम को भी एक पोटले भैया चरा इस ये सारा मामला कर करा के इसमें दो तीन घंटे लग गए आधे रात बीत गई ये सब लोग अच्छा इस दौरान सुल्तान महमूद गजनबी ने सबका नाम पूछ लिया सबका घर पूछ लिया तुम कहाँ रहते हो दूसरी हो गई थी ना सारी सेटिंग हो गई अटे अभी चले गए रात सो गए सुबह में उठे उन्होंने अपने दरबार लगा दिया दरबार लगा दिया और कहा कि मैं खुद नी शाहिहिद हूँ इस बात का कि रात को ये चोरी हुई ऐसे ऐसे हुआ। और अपनी फोर्स तैयार करके लोगों को भेज दिया फलाने के घर पे, फलाने के घर पे फलाने के घर पे फलाने के घर अब उन्होंने वहाँ पे रेड मार दी तो सब लोग सोरे पड़े और सामान साथ में रखा हुआ है घर आने अभी जहाँ खुली नहीं ना अभी जहाँ खुली नहीं ना अब सब का हाल ख़राब सुल्तान महमूद गजनबी रहा बैठे हुए हैं और बादशाह की सीट पर फरमा दिया कि इन सब को फांसी के जस्थे पहुँचा दो जल्लाद को बुलाओ इन सब की गर्दन ख़त्म कर दो सब लोग परेशान जाए ये क्या मसला खड़ा हो गया अच्छा सारे लोग हाल खराब थे एक आदमी जिसने ये कहा था ना कि मैं रात के अंधेरे में जिसको देख लूँ सुबह के उजाले में पहचान लेता हूँ वो कुछ छोड़ा था इतमान में लेकिन डर भी रहा है तो बादशाह का मूड खराब हो जाए मैं क्या कर लूँगा लेकिन कह रहा है यार ये तो रात वही रात वाला ही आदमी है वही अपने आदमी है ये अपने आदमी डर भी है हाल भी ख़राब है ये भी है वो भी है वो भी है ये भी तो जब सारा काम हो गया तो सारा काम हो गया और जल्लाद को हुक्म दे दीजिएगा तो ये जो आदमी था जब कचहरे से निकल रहे ना निकलते निकलते उसने कहा हुजूर, हुजूर एक अर्ज करनी थी हाँ 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 बताओ 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 क्या बात है कि हुजूर मैंने आपको पहचान लिया है रात को आप हमारे साथ थे हमने सबने अपने अपने, अपने गुर दिखा दिए हैं आप अपना दाढ़ी हिलने वाला भी गुर दिखा दिए और हम माफ़ी मांगते हैं कि आज के बाद ही करेंगे और मिन्नत और, और रोना पीटना ये वो एक तूफान सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह को जब इन्होंने रोना पीटना शुरू किया तो उनको हंसी आ गई जब हंसी आई तो उनकी दाढ़ी हिल गई और दाढ़ी हिल गई तो सबको माफ़ कर दिया अच्छा जाओ सबको सबको मैंने माफ कर दिया ये सारी हिकायत सुनाने के बाद मौलियान रहा फरमाते हैं इसमें कई एक सबक है कई एक सबक है नंबर एक एक सबक तो यह है कि ये समझ लो कि हर वक्त अल्लाह तुम्हारे साथ तुम दिन के अंधेरे उजाले में हो या रात के अंधेरे में हो अकेले में हो या दो के साथ हो कहीं हो हर वक्त अल्लाह तुम्हारे साथ मैंने जो क्रामी की आय पढ़ी ना अट्ठाईसवीं से बारी की जो मैंने आयत पढ़ी उसमें यही मौजूद है कि यहाँ तुम अकेले हो वहाँ दूसरा अल्लाह है यहाँ दो हैं वहाँ तीसरा अल्लाह है यहाँ तीन है वहाँ चौथा अल्लाह है यहाँ चार है वहाँ पाँचवा हर वक्त अल्लाह लगा एक बात तो ये बताई गई कि ये तुम फिक्रमंद रहो कि अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ आध आधे आधे है तुम्हारे हर काम पर अल्लाह की नजर है मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की नजर नहीं हर काम पर अल्लाह की नजर हर काम पर अल्लाह की नज़र हर काम पर अल्लाह की नजर तो तुम इससे गाफिल मत हो कि अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहे कल परसों भी कोई बात मुझसे कर रहा था तो मैंने कहा याद रखो अल्लाह कौरम फरमाते तेरे इस बारे में के ए तुम ये मत समझो कि अल्लाह गाफिल है अल्लाह गाफिल नहीं है अल्लाह गाफिल नहीं है अल्लाह सब मॉनिटर कर रहा है वो जब तुम आओगे अल्लाह का अल्लाह पूछ लेगा तुमसे तुम समझते हो ना अल्लाह गाफिल है वो जब तुम आओगे पूछ लेगा तो एक सबक तो ज्यादा दिनों हम फरमाते हैं कि इसमें यह है कि अल्लाह तुम्हारे साथ हर वक्त तुम्हारे साथ नंबर दो दूसरा सबक ये फरमाते हैं कि इसमें यह है कि जो लोग रात के अंधेरे में अल्लाह 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 कर रहे होते हैं ना हाँ जो लोग रात के अंधेरे में रो रहे होते हैं ना जो लोग रात के अंधेरे में नफिल पढ़ रहे होते हैं ना जो रात के अंधेरे में तहजुद के लिए उठ रहे होते हैं ना अल्लाह उनको पहचानते और वो अल्लाह को पहचानते क्योंकि देखो ना रात के कमर्... अंधेरे के कमरे में कोई है ही नहीं आप रो रहे हैं खड़े हो गए यहाँ पे नफे पड़ रहे हैं तो भाई यार दिमाग खराब हो गया रिजवान साहब यहाँ पे कोई है ही नहीं यहाँ पे रिजान साहब मालूम अल्लाह मुझे देख रहे हैं और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ तो जो लोग रात के अंधेरे में अल्लाह को पहचानने की कोशिश करते हैं ना तो अल्लाह दिन के उजाले में उनको रसवा नहीं करते और उनकी बरकत से है कितने लोगों को माफ कर देते आज अभी मुझे किसी ने कहा ना कि वो आपके डर से मैंने ये शुरू कर दिया है तो मैंने कह रसल में मैं जोर इसलिए लगाता हूँ कि मैं ख़ुद तो कुछ करता नहीं हूँ मैं अगर अपनी सारी ज़िंदगी के अमाल को देखूँ तो कोई अमल ऐसा नहीं है मेरा कि मैं अल्लाह के सामने पेश करूँ मैं तो अपनी जतीी बात जानता हूँ को कोई ज़िंदगी का ऐसा अमल नहीं है कि मैं अल्लाह से कहूँ कि अल्लाह ये अमल मैंने कराया तो इसको कबूल फरमाए बस ये ज़रूर है कि वो ये आदमी ज़ुरूशीफ पड़ा है ये आदमी ज़ुरुशीफ पढ़ा है वो आदमी ज़ुरुशीफ पड़ा है वो आदमी शरीफ पढ़ा है वो आदमी ला वो आदमी का पढ़ा है मैं कहूँगा अल्लाह आपके महबूब का फरमान ये कि तेरे कहने से अगर एक आदमी भी दीन पर आ जाए तो तेरी निजात हो जाएगी अल्लाह इनके पढ़ने की बरकत से मुझे माफ कर बस मैं आज आपको समझाना ये चाह रहा हूँ जलालुद्दीन रहम् यह फरमा रहे हैं इस शिकायत में कि अगर अगर इंसान हर वक्त इस बात को सोचे ना कि अल्लाह मेरे साथ है तो कभी भी वो गलत काम नहीं करेगा बीवी के साथ क्या करना है बच्चों के साथ क्या करना है ऑफिस के मामला कैसे करने हैं किसी के साथ वायदे क्या वायदा पूरा करना है नहीं करना है हमें तो जहाँ फायदा नजर आता है वहाँ वायदा पूरा कर देते हैं जहाँ वादा नजर नहीं आता वहाँ वायदा पूरा नहीं करते अजीब बात है और भाई वायदा तो आपको हर हाल में हर एक अगर आपने कमिटमेंट कर ली है तो आपको हर हाल में करना चाहे कुछ भी हो हर हाल में करना लेकिन जहाँ हमें अपना मफाद नज़र आता है जहाँ हमें अपनी कंफर्टेबलिटी नज़र आती वहां है वहाँ बुरा है यार मैं भूल गया था अः यार मैं भूल गया था वो तो अल्लाह बताएगा आपको वो तो अल्लाह बताएगा क़्यामत के दिन में क्या भूल गए थे क्या याद रहा था वो आदमी किसी को अपने उधार पैसे दे दे देखते कैसे भूल जाते वो कल हमारी मस्जिद में एक आदमी था उसने कहा मुझे किसी ने दस लाख रुपए मेरे दबाए हुए वो आज तक नहीं मिले मैंने कहा मुझे बताओ यार तो को कमीशन तय करो मैं बताता हूँ कैसे नहीं बताएंगे दस लाख रुपए मेरे ना मिले तो मेरा नाम बता दें मेरे पास एक आदमी चल के आया उसके पैंतालीस लाख रुपये बचे हुए कितने फिर क्या ना कहा बाईस लाख रुपये एक और गज फे हुए हैं फिर क्या ना बारह लाख रुपये एक और गस फैसे हुए हैं मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा आप मोट मुझे के लिए कुछ तैयार नहीं ये तो हम सब जानते हैं मैंने कहा अच्छा चलो यार तुम्हें मिल जाए कम अस कम हाथ उठा के दुआ तो कर लोगे ना मुझे मालूम है करेंगे आप वो भी नहीं तो फिर भूल देंगे ना पैसे जब फिर फिर कौन याद कर जाए अल्हम्दुलिल्लाह उसको पैंतालीस लाख रुपए भी मिल गए उसको बाईस लाख रुपए भी मिल गए उसको बारह लाख रुपए मिल गए मुझे कुछ नहीं मिला ये मुझे यकीन है अल्लाह की इजाज़ से जीतना उसने या मुईद या मुईद या मुईद या मुईद या मुईद या काल या काल या काल या करीम या करीम पढ़ा होगा ना उस सब का पे मिल जाएगा और वही मुझे चाहिए भी और वही मुझे चाहिए भी मेरा मखसूद असली यही है कि आप अमल करें अल्लाह 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 अल्ला। आप करें और उसके मुझे जाए बस मेरा मकसूद भी यही मैं चाहता भी यही गाड़ी चोरी हो जाए ना तो मिलती नहीं है अगर डिफेंस में कहीं आपने गाड़ी आई खड़ी करी किसी यूनिवर्सिटी में किसी शॉपिंग प्लाजा में कहीं कहीं पर भी और आप चले गए वापस आए गाड़ी के गायब तो गाड़ी फिर मिलती नहीं एक साहब गाड़ी चोरी हो गई इसी धीरे धीरे वो मेरे पास आ गए मैंने उनसे कहा कि वे पढ़ें चार छः महीने के बाद लगे मुझसे यार मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मुझे एक आदमी कह रहा है कि ये ढाई लाख रुपए में फाइल भेज दो वो गाड़ी दस ग्यारह लाख रुपए की थी मैंने कहा मुझे तो गाड़ी अच्छी हुई नज़र आ रही है हाफी साहब आपको नजर आ रही है मेरा सर घूम रहा है मैंने कहा आपका सर घूम गूं रहा है घूमता रहे लेकिन मुझे गाड़ी अच्छी नजर आ रही है कहा अब नहीं बेचूंगा अब नहीं बेचूँगा फायदा अब नहीं बेचूँगा एक साल पड़ा हुआ उन्होंने अब यकीन करिए जिस हालत में गाड़ी गई थी ना उसमें मज़ीद दो लाख रुपए का सामान लगा हुआ था वो वापस आ गए उनको किसी ने फ़ोन किया कि अटक में मैंने कह उसको को कराची पहुंचा पहुँचा ये उसका कितना किराया इतना हम दे देंगे कराची आगे वाले या पुलिस स्टेशन में खड़ी आप आ जाएँ जहाँ हम पुलिस स्टेशन भी नहीं देंगे हमारे घर पहुँचा दूँ अब देखें ना या मोहित या काजिर या करीम का पावर लोग समझते ही नहीं है समझते मैं बार बार लोग चाय की पावर को समझ रहे हैं शहद की पावर को समझ रहे हैं अल्लाह के नाम की पावर को नहीं समझ रहे ये जो अल्लाह का नाम है ना असम अल्लाह का नाम है ना और ला एक दफा कहना और ला आपको मालूम नहीं जमीन आसमान हिल जाए लेकिन यकीन नहीं है अपने पैसों पर यकीन है अपनी ताकत पर यकीन है अपनी अकल पर यकीन है लेकिन अल्लाह अल्लाह कहने पर यकीन नहीं आ रहा अल्हमदल्ला उनके घर गाड़ी पहुंची उनके घर गाड़ी पहुंच गई पूरे फ्लैट में एक हंगामा शुरू हो गया ऐसा हो नहीं सकता नहीं हो गया देखो देखो आ गई गाड़ी आ गई वो सारे फ्लैट वाले मेरे मुरीद हो गए हफ्सा भी कैसे हो गया मैंने कहा तुम अल्लाह की माननी शुरू कर दो मैं आप सबसे भी कहता हूं मैं कसम खा के कहता हूं जिसका कोई मसला हो वो किसी के पास नहीं जाए बस अल्लाह से अपना रब्ता करें अब अल्लाह से रबा करने का तरीका नहीं मार तुम जाके बूझ लो यही तो कहा जाता है कि भाई बैच हो जाओ किसी से इसीलिए तो कहते हैं इसीलिए कहा जाता है कि बैच हो जाओ ये हो जाओ ये हो जाओ और फिर जाकर उससे अपनी सलाह कराओ कोई मसला उसको बताओ जाके और ये पढ़ो ये करो ये करो ये करो अल्लाह मसार कर <coughs> खैर मौलाना जरा रह इस शिकायत में यह बता रहे हैं कि हर आन और हर घड़ी अल्लाह तुम्हारे साथ है और अगर तुम अंधेरे में अंधेरे में अल्लाह को याद करोगे तो कल जब कयामत का मंजर आएगा और जब परेशानियों का मंजर होगा और जब बुरा हाल होगा नफ्स नफसी का आलम होगा कोई आदमी किसी की नहीं सुन रहा होगा कोई आदमी किसी की नहीं सुन रहा उस दिन अल्लाह चार ये तो अंधेरे में मुझे देखता था अंधेरे में ये तो अल्लाह अल्लाह करता था इसकी तो मैं बशिश का फैसला करी हमारे यहाँ बैठने का असल में यकीन नहीं आ रहा ना एक ही कहा जाती है कि महजीन रहमत ने ही लिखा है उसको कि एक आदमी था उसके अगर करीब मसीह में बयानत होते थे तो आते थे बयान करते थे वो मर गया वो मर गया वो मर गया अब उसका पड़ोसी ने कुछ दिन का ख्वाब में देखा अब यार वो जो मोदी साहब कहते थे आगे कि मरने के बाद जो रकात पढ़ने पर ये मिलता है और अल्लाह अल्लाह करने पर ये मिलता है और जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उससे ये अल्लाह आजाद देता है ये करता है ये, करता है। ये करता है। क्या ऐसा है तुम तो वहां चले गए हो ना क्या ऐसा है उसने कहा आप यकीन करो बिल्कुल मैं अपनी आँख से देख रहा हूं जो उलमा कहते थे वैसे ही हो रहा है जो उलमा कहते थे ना कि दो रका नमाज नबे पढ़ लो अल्लाह ये देगा अल्लाह वो दे रहा है और जो उलमा कहते थे ना सौ रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो अल्लाह तुम्हें ये देगा वो हो रहा है और जो कंजूसी करता था उस पर अल्लाह का क्या फैसला होता था जो उलमा बताते थे वो हो रहा है वो मैं अपनी आँख से देख रहा हूं तो तुम इस बात पे यकीन कर लो और जो कह रहे हैं अमल करना शुरू कर दो लेकिन हम सब का मामला यह है हम सब का मामला यह है कि हमें अल्लाह के अलावा सब पे यकीन आ रहे है यहाँ जो मेहनत हो रही है ना ला इलाहा ला कि अल्लाह ही करते हैं बस अल्लाह ही सब कुछ करते हैं हम कहते हैं नहीं नौकरी भी करती है दुकान भी करती है अब्बा भी करते हैं चाचा भी करते हैं ताया भी करते हैं फूफा भी करते हैं और कोई कुछ नहीं करता भाई अल्लाह के वली कोई कुछ नहीं करता आप कुछ याद हो? मैंने पिछले दिनों एक मैसेज आप लोगों को भेजा था बता देता हूं एक इंतकाल के बाद जमीन आपके नाम एक आदमी ने एक मकान खरीदना है दो करोड़ रुपये का चार करोड़ रुपए का मिसाल दे रहा हूं आपने दो करोड़ रुपये उसको दे दिए, चार करोड़ रुपये उसको दे दिए। तो क्या हुआ भाई जमीन आपके नाम हो गई मकान आपके नाम हो गया और मैं एक इंतकाल के बाद जमीन आपके नाम हो जाती है और दूसरे इंतकाल के बाद आप जमीन के नाम हो जाते आप दूसरे इंतकाल के बाद जमीन के नाम ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कोई ना मुझे मरना ही नहीं है मेरी प्लानिंग में नहीं मरना मेरा तो मरने का कोई प्लान ही नहीं है मेरे बेटे शादी जो है पोते होगा तो मैं पोते की शादी देखना चाह रहा जब पौधे की शादी हो जाएगी फिर कहेगा अल्लाह इसको बच्चा दे दे जब अल्लाह अब तो मैं पोते के पोते की शादी देखना चाह रहा हूँ तो भाई मरना और कोई शेड्यूल में है नहीं है आज एक हमारी खातून से मुंसलिक हैं डॉक्टर साहब उनको कैंसर डॉक्टर ने डायग्नोज कर दी उम्र पैंसठ साल बचा रही थी आज, आज खुद ही उन्होंने मुझे क्या मेरी तबियत बहुत ख़राब है ये है ये है ये मेरी दुआ फर मैंने कहा दिल से अल्लाह पाक खैर मैंने कहा मुफ्ती रशीद साहब रामा अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे जब उनकी तिरसठ साल उम्र हो गई ना तो कहते थे अरे अल्लाह मेरे महबूब की उम्र से साल थी अब मुझे तू तो अपने पास बना मुझे रहना ही नहीं अल्लाह मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है अल्लाह मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं और है और बताएं अभी कितने लोग हैं ऐसे हैं जिनकी तिरसठ साल उम्र से ज़्यादा हुई गई वो कह दुआ मांग रहे अल्लाह में मुझे आने रहना है और मैं किसी का नाम हाथ उठाऊ ना भाई बताओ भाई तिरसठ साल से, से ज़्यादा उम्र वाला कौन है तो पहले तो कोई हाथ उठाएगा नहीं और अगर हाथ उठा भी रहे तो उसे मैं पूछूंगा क्या भाई मुफ्ती साहब जो दुआ मांगे तू दुआ मांगता है अब सब तो ये वाली बात मत पूछिए कॉन्फिडेंशियल बात है शेख अल्लाह से मुलाकात का शौक़ पैदा करें मैं आपको कसम खा के कहता हूँ जिसको अल्लाह से मुलाकात का शौक़ नहीं है ना अल्लाह भी उसे मिलना नहीं चाहता अगर तुम दुनिया में ही रहना चाहते हो तो रहते रहो खुदा की कसम अल्लाह तुमसे मिलना नहीं चाहता अल्लाह को कोई शौक नहीं तुमसे मिलने का अगर तुम अल्लाह के मुलाकात के अम्मा ने पूछा ये सवाल बाकायदा अल्लासूल से पूछा रसूल मौत से तो कोई भी नहीं चाहता कि मुझे मौत आ जाए कोई नहीं चाहता मैं कल चाहता तो नहीं है कोई भी लेकिन क्या वो मौत की तैयारी कर रहा है इसका मतलब वो मुलाकात की तैयारी कर रहा है और जब ऐसा हाल आ जाए ए ऐल्ला मे राज हूँ अल्लाह मैं राजी हूँ हमने अपने भजन को मरहूम को अल्लाह की मफ्फ़त फरमा दे आखिरी अया में दो तीन दिन रह गए थे चार दिन रह गए थे भाजान की दुनिया से के तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्थ में एडमिट थे तो जब भी ऐसे गुजगी लगनी जब भी ऐसे उनके चेहरे से लगता था उनको तकलीफ है चेहरे से लगता था उनको तकलीफ़ जब भी ज़रा सा आराम मजहबी के आँख खोल दे तो पूछे थे हम अब जी आप खरीदते हैं अब जी आप फोर के अलहमदिल्ला कभी नहीं कहा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है कभी नहीं कहा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है हालांकि डॉक्टर ने इधर उधर पता नहीं क्या क्या लगाया था मैंने कहा सब निकाल दो सब निकाल दो बोले मर जाएंगे मैंने कहा मरने दो मरने दो कुछ कह के मर जाएंगे यार ठीक है और वही हुआ जब वही सब निकाला तो अब्बाजान ने कहा मुझसे कि भाई मेरी नमाजी कितनी लगी कब से मैं नमाजी पढ़ी कब क्या हुआ ये हुआ वो हुआ और फिर मैंने बताया उनको कितने दिनों के तो कहा इतने पैसे जो है निकाल के फ़ौन जल्दी से खड़े इनको दे दो जल्दी से दे दे जल्दी से दे, दे ताकि मेरी नमाज के हिसाब किताब कोई ना रहे हमें अहसासी नहीं हमें एहसासी नहीं हमें अल्लाह से मुलाकात का शौक़ ही नहीं है हम मरने के लिए तैयार ही नहीं हम चाहते ही नहीं बस हाफ़ा मौत की बात मत क्या करें आप यहाँ बयान के लिए ज़रूर आएँ आपको खाना वाना मिल जाएगा अभी आपको शहद का पानी मिल गया और क्या आप हमारी जान लेंगे क्या यार आपके बेटी को ज़बरदस्त चाय पिला दी उसने यार वो क्या करेगा हारिश भाई मैं चाहता हूँ आप सब लोग मौत के लिए फिक्रमंद हो जाएं बूढ़े भी फिक्रमंद हो जाएं और जवान भी फिक्रमंद हो जाए आप चल जाएं आप यकीन करें आपको एक दिन के बच्चे की भी खबर मिलेगी और पचास साल की खबर भी मिलेगी और बीस साल के नौजवान लड़के की भी खबर मिलेगी और बीस साल की नौजवान लड़की जो अनमेरिड है उसकी भी सब कब्रस्त भरा हुआ है हज़र शेख राम के इंतकाल ऐसी हुआ हजर सफ़र पर गए और साउथ अफ्रीका के सफ़र पर थे और वहाँ पर सब ठीक ठाक अल्हमदिल्ला एकदम अचानक तबीयत ख़राब हुई डॉक्टर्स तो ने कहा कि तबीयत ज़्यादा भी ख़राब है इनको हॉस्पिटल करें हॉस्पिटल रश किया और वहाँ गए और कल उतार के अर करें जिक्र करते करते जिक्र करते करते फ़रमाने लगे सलाम कौलम रबरम सलामन कोलमर सलामन कोलम मैं ऑफिस जाने का मेरे भाई अपने वक्त को अपनी जान को अपने माल को अल्लाह के लिए लगाना सीखो अल्लाह के लिए लगाना सीखो खुदा की कसम जो जान जो माल जो वक्त जो सलाहियत तुम अल्लाह के लिए लगा दोगे ना उसका वो कुछ अल्लाह आपको देगा जो आपके तस्वुर में नहीं है वो असल में अभी यकीन नहीं आ रहा किसी को भी किसी को भी यकीन नहीं आ रहा हमारे शेख हमारे मैंने बार हाथ सुना बार हाथ सुना हज फरमा देते थे बस ये थोड़ी सी ज़िंदगी है यहाँ पर अल्लाह की मान दो थोड़ी सी जिंदगी है यहाँ पर अल्लाह की मान दो बस फिर मज़े ही मजे जी बस फरमा देते बस फिर मज़े ही मजे फिर मज़े ही मजे फिर मज़े ही मजे हम कहते हैं यार कैसे माने यहाँ पर अल्लाह की ऑफिस जाना है अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा देर से क्यों मैं टायर पंचर हो गया हालांकि झूठ बोला टायर पंचर हुआ ही नहीं था निकला ही घर से देर से था बस मेरी दरख्वास ये जो मुलाजालाउद्दीन रहा ने गजनबी की जो शिकायत लिखी है ना इसको अपने दिमाग में हर वक्त बसा कर रखें कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहे तो फिर इनशा गुनाह नहीं हुआ अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर यकीन नसीब फरमा अल्ला मुझे भी आपको भी इस पर यकीन नसीब फरमा असल मसला यकीन का है असल मसला मानने का है कि हम अल्लाह की मानने वाले बन जाएं लेकिन यार अगर हम दस दस साल तक मजलिस में आते हैं और हमारा हाल वही का वही रहा तो फिर मजलिस में आने का क्या फ़ायदा हुआ मजलिस में आने का क्या फ़ायदा हुआ आखिर की जो मैं हमेशा जैसे करता हूँ फिर कर रहा हूँ सारे अहबाब रोज आने के अतबार से कम से कम पाँच हज़ार दफ़ा जब विषय पढ़ा करें ये आखिरी दर्जा है काउंटर ले लें जो लोग जॉब करते हैं वो मुस्तना नहीं है ऑफिस जा रहे गाड़ी चलाते हैं तो भी गाड़ी नहीं चलाते हैं अगर बस में बैठ के आते हैं कार में ठीक है अल्लाह अल्लाह सल्लाल जब आप ऑफ़िस आप पहुँचेंगे तो एक हज़ार हो जाएगा काम करते हैं जब मौका मिल जाए वसल्लम मस्जिद जा रहे हैं नमाज़ वसल्लम वहाँ से वापस आ रहे हैं ऑफिस के लिए वसल्लम और जो लोग रिटायर्ड हैं उनको तो पचास हज़ार जवाब पड़ना चाहिए वह उनको कोई काम ही नहीं है आप यकीन करो तुझे पड़े बैठियो आपको बीवी आपको काम कर छोड़ देंगे नहीं बुलाएंगे आप जब फारिग फिक्चर हो गए इधर से उधर भाई आलू आओ भाई टमाटर लिया हो भाई बिजली का बिल जमा नहीं हुआ भाई वो फिराया नहीं हुआ बेगम जी तो चक्कर में रहती है कि कैसे बुढ़्ढे को बाहर फिर करके ये काम हुआ ही नहीं ये काम हो ही नहीं रहे ये काम आप बैठे रहते हैं और कोई काम ही नहीं है मेरे बस एक आदमी आया वो बोला उसके बच्चे तीन चार जवान हैं और बीवी उसी को कहती है हार्ट अग है अरे मुझे क्यों कह रही हो चार बच्चे और हैं ना वह मैं तो आप ही को कहूँगा बता दो ये औरत का काम ही ये है वो पंगा करती रही है आपसे हाँ एक जितने रिटायर्ड लाइफ वाले ना वो तो पचास हज़ार जरूर शरीफ अपने ऊपर नाफिज करें अलैहि <coughs> वसल्लम पचास हज़ार दफ़ा रोज़ पढ़ा करें अब आप कहेंगे हमें सभी मुश्किल काम है हाँ हज़र ला की किताब जाके पढ़ें नहीं है तो मुझसे आगे ले लें मुझसे मुझसे आगे ले लें हज़र लल्ल रहा के लिए मरफूजात में आते हैं वो सवा लाख दफ़ा रोज जरूर शरीफ पढ़ते थे सवा लाख दफ़ा रोज़ाना सफ़ार करते थे सवा लाख जबर रोजाना तीसरा कलमा पढ़ते थे सवा लाख जबर रोजाना पहला कलमा पढ़ते थे उसके अलावा नमाज अलीहदा पढ़ाते थे उसके अलावा दर्शदा देते थे उसके अलावा कारोबार अलीदा करते बीवी बच्चे पढ़ाना ये सब कुछ वो जब सवा लाख जब रोज़ कर रहे हैं तो हम हमें तो कोई गमी नहीं है यार बिजनेस करना नहीं है अगर हम फिर भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गाफिल हैं हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं ये याद रखें अपने आप को मुजरिम समझ लें और देखो मुजरिम वो हैं जो मान ले ना फिर अल्लाह उसको छोड़ देते हैं लेकिन मुजरिम अगर छिटाई करें ना फिर अल्लाह उसके डबल जूते लगाते हैं ये बता दें अल्लाह मेरी भी आखिरी विश्वाद